बहुत दूर से आई है मेरे लिए ये। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ। सभी को जय श्री राम। ओ भैया आए हैं पपीता लेकर सुबह सुबह मेरे लिए। पकड़ ए मुंबई इधर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भारत माता की जय। जय श्री राम। अबे यार इन लोग बाइक वाले भी बिल्कुल सही से नहीं चलाते, बिल्कुल साइड में चल रहा था, उड़ा के चला गया यार। अरे बाप रे यार। ओ सॉरी भगवान। तो इन लोगों ने इलाज किया यहाँ, तो मतलब मुर्गे का भी इलाज हो, पहली बार मुर्गे का इलाज देख रहा था। चलिए सही है। अभी जो मिले हैं आप यहीं के रहने वाले हैं ना भैया? बाबा बोल गाँव के। तो क्या आप लोग को ये गाय चराने का ड्यूटी मिलता है? नहीं घर का है, खुद का है। बहुत सही। तो जानवरों का भी देखे नहीं आप लोग? जानवर चीता उता कभी नहीं टहलने आ जाते इधर? चलिए सही है बाबा जी। बाबा जी का झोला देखो, बाबा जी झोला। ओहो चमड़े का बिल्कुल झोला है इनका। सही है ये बिल्कुल। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि ये डॉक्टर मतलब कि जानवरों के डॉक्टर का इतना बुरा टाइम क्यों होता है? मतलब कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और फिर 11 बजे से लेकर 5 बजे तक छुट्टी, और फिर शाम को खोलेंगे 5 बजे से 6 बजे तक, केवल 1 घंटे के लिए। मतलब अगर किसी का अगर कुछ जानवर का नुकसान हो जाता है, जानवर को चोट लग जाता है, मतलब 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक कोई इलाज नहीं होगा, ये हॉस्पिटल वाले बंद करके रखते हैं। और सैलरी कितना? 50-50, 60-60 हज़ार रुपये सैलरी ले रही है यार। ये कैसा रूल है? ये तो रूल बिल्कुल मतलब कि ये टाइम टेबल तो बिल्कुल घटिया निकाले सर गवर्नमेंट। इससे बढ़िया है कि आप ये हॉस्पिटल ही बंद कर दीजिए। बताइए इतना मतलब कि यार आदमी को जरूरत का, अरे कम से कम 7 बजे से लेकर 7 बजे तक बैठो, ये भी सही है। लेकिन नहीं, कितने घंटे काम किए इन्होंने? 7 बजे से लेकर 11 घंटे, 4 घंटे हो गए और 1 घंटे उधर, मतलब 5 घंटे इनको काम करना है। अच्छा है फिर तो, ये गवर्नमेंट भी पता नहीं मेरे बेफिजूल की कहाँ कहाँ पैसे दे रही है इन लोगों को। सॉरी इन लोगों को नहीं, इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट की गलती है ये। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट की गलती है अगर इस तरीके का टाइम टेबल है जानवर की हॉस्पिटल में तो। अरे यार क्या देखो, पेड़ों की चौड़ाई कितना पुराना हो गया यार, कितने हजारों साल पुराना हो गया ये पेड़। ओ माय गॉड, और ये सब कटते तो कितना बुरा लगता है यार। बहुत धूप हो भवा, बहुत धूप है भाया, बहुत धूप है, सिर पे बिल्कुल लग रहा है। थोड़ा सा आज बादल कर लो भगवान जी। क्या ज़्यादा गर्मी लगने से, ज़्यादा थकान होने से इरिटेशन भी पैदा हो जाता है ना मन में। कोई इस अवस्था में अगर कोई सवाल जवाब करता है तो लगता है चुप हो जा वरना, ऐसा वाला रिएक्शन आता है। ओह काले बादलों के बीच जुगानी आ गया मैं, लेकिन अच्छा लगा यार जब कुत्ते को थोड़ा सा मतलब ये है कि उसको ज़्यादा नहीं हुआ, आँख में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ उसको, लेकिन चलो चल फिर सकता है अच्छे से, वो फिर से वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। वैसे टेटनेस का 3 सुइयाँ लगी थी उसको यार, लगाए थे डॉक्टर वाले, अच्छा लगा, सुकून लगा मुझे भी। तो एक रोहित नाम के भैया थे वहाँ पे परत गाँव में, तो उन्होंने खाना आ दिया था, तो वही अब खा रहा हूँ मैं बैठ के। थोड़ा पेड़ों की छांव भी, थोड़ा ठंडक भी लग रहा है यार। बहुत दूर दूर जंगल है, जंगल बहुत लंबा लंबा पड़ा, लेकिन ये है कि चलो रोड बिजी है और सांप मरा ये परी है, लेकिन चलो ये तो पूरा किस्सा आ गया है। ओके आज यूट्यूब पर सॉरी आज इंस्टाग्राम पर 50,000 मेंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो मेरे वीडियो को शेयर करते, लाइक करते, कमेंट करते, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं और शायद मैं भी आपको मेरी जर्नी पसंद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार ये उमस वाली गर्मी अभी ख़त्म नहीं हुई। चलो हर ना हर मौसम का कोई ना कोई नुकसान भी है, कोई ना कोई फ़ायदा भी है। ये हाईवे NH30 है जो आपको सीधे कोंडा गांव, सुकमा और शायद भद्राचलम की तरफ यही ले जाए रोड आपको।
चलो यार पहले पानी लूंगा यार, बहुत देर बाद मुझे कोई घर मिला, पानी पीने को देखता हूँ मिल जाए तो। चलो कोई घर मुझे दिखा यहाँ पर, ओ पानी लूंगा, ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। देखते मुझे वो मिल्टन वाला लेना पड़ेगा जिसमें पानी जो है ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। भैया थोड़ा नॉर्मल पानी मिल जाएगा क्या? हैं कितना? हाय क्या नाम है? मधु शुरियांस। तो ये है आपका जुगानी रिवर, अभी मैं जुगानी पार कर रहा हूँ। लगभग यहाँ से बता रहे हैं कि ये 15 किलोमीटर है दूर। यार बहुत थक जाता हूँ कभी कभी यार। ये बैग थोड़ा सा ख़राब हो गया है, बैग चेंज करना पड़ेगा मुझे यार। बैग थोड़ा कंफर्टेबल हो लेना पड़ेगा वरना मेरे कंधे ख़राब हो जाएंगे यार। ये हाईवे है NH-30 नेशनल हाईवे तो है, लेकिन क्या है ना कि बहुत पतला है यार। इसकी जो ब्रेथ है ना वो बहुत ही छोटी है, और थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए था इसको कम से कम यार। अगर नेशनल हाईवे बन रहा है, क्योंकि ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश को भी जोड़ती है, तेलंगाना को भी जोड़ती है, तो इसको कम से कम 6 लेन होना चाहिए यार। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ये कॉमन है। ये मुझे पहले लगता था कि केवल ये मुस्लिम कम्युनिटी में भी होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं इधर आया तो ये देखने को मिला कि इधर भी लोग उस तरीके का करते हैं। और वह क्या करते हैं चल के देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं, नेताम और मरकाम। तो उनके यहाँ जब ये देहांत हो जाता है तो क्या करते हैं वो, इस तरीके को वो दफना, वो बॉडी को है ना वो दफना देते हैं। तो इससे पहले भी मैं एक जगह में आपको दिखाया था कि कैसे वो करते हैं। और बहुत में तो ये होता है कि ये क्या करते हैं ना कि नेताम मरकाम जो लोग हो जाते हैं, अगर कोई एक ग्रुप से मर गया तो नेताम मरकाम के दोनों कम्युनिटी के लोग आएंगे और इस तरीके का खुद वो अपने हाथों से बनाते हैं ये चीज़। और कहीं कहीं पर तो खिलौना बना हुआ रहता है, घोड़ा गाड़ी बच्चा औरत, अगर औरत मर गई तो औरत के स्टैचू बना दिए उसके पास। ये इस गांव का नाम क्या है? लंजोड़ा। हाँ लंजोड़ा कंफर्म कह रहा हूँ, लंजोड़ा इस गांव का नाम है। अमूल दूध पूछता हूँ। ओके चलो, वैसे नहीं तो ऐसे सही अमूल कूल ये थोड़ा काम करेगा, मुझे कूल रखेगा और थोड़ा ताकत देगा। दिखा दे रहे व्हाट्सएप पे। अरे भाई हाँ हाँ मैं ही यार, ये तो सही है ये तो। हाँ हाँ हम सोच रहे थे कि यही है कि क्या बोल रहे थे, इसलिए वैसे जा रहा है। पेपर सही है, सही है, सही है भाई, सही है। बहुत दूर से आई है मेरे लिए ये मतलब कोंडा गांव पहुंच गई थी। ये फरस गांव की है और कोंडा गांव पहुंच गए थे, तो फिर इनको पहले फोन नंबर लेना चाहिए था, पर कोई नहीं, कोई बात नहीं, तुम अब तो हो गया ना। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जा सकती तो जो जा रहा है वो तो मेरे लिए पूजनीय है। हाँ। वो है वंदनीय, इसलिए मैं दौड़ के आके और कुछ नहीं, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, नहीं पता है भगवान है ना तुम्हारे साथ। चलो तो ठीक है, तो मदद किसी ना किसी रूप में वही तो मदद करते हैं ना। तो अभी जो ये मिलने आए थी ये कोंडा गांव पहुंच गई थी। कोंडा गांव पहुंचने का पता चला कि मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, फिर किसी से मेरा नंबर ली और फिर वो बीच रास्ते में अभी कोंडा गांव भी है, 12 किलोमीटर दूर है अभी समझ। और जब से इनको पता चला कि मैं फरस गांव में आया हूँ, ये बहुत ज़्यादा इच्छुक थी मुझसे मिलने के लिए। मुझसे क्या मिलने के लिए, मैं श्रीराम जी का काम कर रहा हूँ तो श्रीराम जी से मिलने के लिए इच्छुक हूँ। ठीक है, वैसे बहुत बहुत धन्यवाद इनका, अच्छा लगता है यार। वो देख रहे हैं आप कितना बढ़िया ग्रीनरी लग रहा है, और पशु उधर जो चर रहे हैं खा रहे हैं घास वास, और अच्छा लगता है यार। जरूरी नहीं कि केवल इंडस्ट्री लगाने से ही आपके तरक्की हो सकता है, ज़रूरी ये बिल्कुल भी नहीं है। तो यार देखो यार, यहाँ से अभी 12 किलोमीटर बचा हुआ है कोंडा गांव, और टाइम हो गया है 5:45 बज चुका है, और क्योंकि ज़्यादातर लेट जो हो गया वो कुत्ते का इलाज करवाने के लिए चले गया, तो उसमें ज़्यादा मुझे लेट हो गया, लगभग 1.5-2 घंटे उसमें मुझे लग गए, तो मुझे लेना पड़ेगा यार यहाँ से, क्योंकि रात हो जाएगा दिखते, क्योंकि दूर दूर तक कोई वो नहीं है, कोई गांव नहीं दिख रहा मुझे, शायद यहाँ पे इधर है। तो अभी पाजी मिले मुझे और गन्ने का जूस, ये पूछे, ये पीछे भी मुझे मिले थे पर कार से मुझे जाना नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि भैया पैदल ही जाऊँगा, आप यहाँ पर रुक के मेरे लिए इंतजार कर रहे थे, और इन्होंने गन्ने का जूस मेरे लिए इंतजाम किया। ठीक है, सत श्री अकाल भैया। हाँ दाल चावल सही रहेगा, नहीं भैया वो थोड़ा हल्का भी रहता है ना,
थोड़ा वजन भी होता, थोड़ा जल्दी पचे भी इस वजह से। भाई कोना हो जा रहे ना? हाँ है भाई, को कोना हो जा रहा है? ठीक है, बच्चे लोग कौन लाएगा, हो गया सामान, बच्चे कौन छोड़ देगा? ओ तभी काफ़ी तेज से बारिश होने लगा, और ये भैया का होटल है अभी जिनके हमें खाना खाया, तो कहेंगे मेरे यहाँ रुक सकते हो ढाबा में, कोई दिक्कत नहीं। न्यूज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिला, लोकल न्यूज़ पर प्रिंट हुआ था मेरा ये चीज़, और इनको भी पता चला कि हाँ ऐसा कोई बंदा कर रहा है, तो फिर ये मुझे रोक लिए। अब कहीं कल सुबह जाना, बारिश भी इधर हो रही थी, अभी कुछ देर पहले बारिश हुआ, अब तो बहुत रात हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वाले भैया का।